छह दिन से लापता 2 साल का मासूम अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। बच्चे के अपहरण का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अपहरण के बाद पुलिस ने शिकायत तक नहीं की दर्ज। बच्चे की मां ने विधायक से लगाई गुहार। विधायक के निर्देश के बाद हरकत में आई पुलिस, बच्चे की तलाश में जुटी। चंडीगढ़ से लगते मोहाली के डेराबस्सी में 2 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना 6 दिन पहले की है और अब इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब बच्चे के अपहरण की शिकायत देने बच्चे की मां पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद परेशान मां ने स्थानीय विधायक से गुहार लगाई और फिर विधायक ने पुलिस की क्लास लगाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब बच्चे की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा 21 नवंबर को डेराबस्सी में खटीक पार्क में खेलने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी आसपास काफी तलाश की, लेकिन 2 वर्षीय चंदन का कोई सुराग नहीं मिला। बच्चा एक प्रवासी मजदूर का है, जिसका परिवार चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर एक फ्लाईओवर के नीचे झुग्गी में रहता है। मामले के संबंध में बच्चे के माता पिता ने बताया कि उसी दिन इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन डेराबस्सी पुलिस ने लापरवाही दिखाते हुए उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की, जिसके बाद परेशान परिजनों ने विधायक कुलजीत सिंह रंधावा से अब गुहार लगाई, जिन्होंने पुलिस को तुरंत बच्चे की तलाश करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली, जिसमें यह बात सामने आई कि 21 नवंबर को बच्चा पार्क में खेल रहा था और वहां से उसे कोई अज्ञात व्यक्ति ले जा रहा है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? हमारे पास 5-4 बच्चे। तो वो जो गुम हुआ है वो कितने साल का था? 2 साल का था। 2 साल, क्या नाम था उसका? चंदन। चंदन? हाँ। कौन लेके गया उसको? पता नहीं कौन ले गया, इतना बस सो रहा था ही, ले लेके भागा है। तो वो तो पार्क में से गया लेके, वहाँ से पार्क में से हाथ लिया, वहीं लेके चला गया, वहीं से लेके चला गया। कितने दिन पहले लेके गया? लगभग 6 दिन हो गया। पुलिस में गए थे? हाँ, पुलिस में गए थे, लेकिन तब पुलिस ने कंप्लेन नहीं की, तब जाकर हर पास के वहाँ पर गया था। कहाँ पे? MLA के बैठते हैं लोग, वहाँ पर चला गया। पुलिस ने लिखी नहीं थी? ना, वो दिन नहीं लिखी थी, तो पर लिखाया था। डेराबस्सी गए थे थाने में? ना। क्या बोला था उन्होंने? बोला था लोग होगा है तो बालो खोज रहा है। खोज रहे हैं? आज खोजने लगे या पुलिस? कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद। आप कहाँ गए थे तब? उस जब पुलिस ने नहीं खोजा तो आप कहाँ गए थे फिर? बच्चे की कोई फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, बच्चे को नहीं फोटो। क्या काम करते? काम क्या करते हो आप? हमारा घर वाला मिस्त्री का काम करता। मिस्त्री का, यहीं रहते हो पुल के नीचे? कितने टाइम से रह रहे हो? 1 महीना लगभग हो गया। 1 महीना? बच्चों के साथ खाना पीना यहीं है? ये इसी कोठरी में रहते हो? ये वाला जो बच्चा छोटा आपका ही है वो? पुलिस में गए थे? पुलिस में गए थे, पुलिस ने वहाँ पर गया था। कहाँ पे? MLA बैठते हैं लोग, वहाँ पर चला गया। पुलिस ने लिखी नहीं थी? ना, वो दिन नहीं लिखी थी, तो ये पर लिखाया। बहरहाल थाना पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिल गई है और बच्चे की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी और बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस आरोपी तक पहुंचती है और बच्चे को बरामद करती है। लेकिन जिस तरह से मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जरूरत है कि लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी सख्त एक्शन लिया जाए। पंजाब के सीसीटीवी के लिए डेराबस्सी से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।